किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कोई भी कार्य करते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है भावना या मनोवृत्ति। सीता जी को जब रावण चुरा कर लंका ले गया, तो उसके कुकर्मों की सजा देने श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्हें लंका तक जाने के लिए पुल की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और समुद्र देव के अनुसार समुद्र पर सेतु निर्माण कार्य की शुरुआत की। सेतु निर्माण कार्य का दायित्व नल और नील नाम के दो वानरों ने मिला था। वे दोनों पुल बनाने की कला में बहुत दक्ष थे। शेष वानरों ने उनका भरपूर सहयोग किया। सेतु निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, ऋषराज, जामवंत आदि सभी बड़े उत्साह से सेतु बनाने में संलग्न थे। लाखों बानर रीछ इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। कोई चट्टाने उठा रहा था तो कोई विशाल काय वृक्षों को ही जड़ समेत उठाकर समुद्र में डाल रहा था। चारों ओर उथल पुथल मची थी। नल नील उन सभी से सेतु तैयार कर रहे थे। अचानक हनुमान की दृष्टि एक छोटी गिलहरी की ओर गई। वह अपने शरीर को जल में भिगोकर बालू के कण ही समुद्र में डाल रही थी और वह बार बार कर रही थी। हनुमान ने पूछा, अरे तू यह क्या कर रही है? तू थक कर चूर हो जाएगी। हो सकता है कि कहीं किसी बानर के पैरों ने नीचे दबकर प्राण ही न खो दे। गिलहरी बोली, मैं भी राम जी के पुल बनाने के काम में प्राणपण से जुटी हूं। मैं चाहती हूं कि पुल शीघ्र बने ताकि दुष्ट रावण का जल्दी ही सर्वनाश किया जा सके। उसकी भक्ति और भावना देख हनुमान दंग रह गए। समीप की शिला पर बैठे श्री राम यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने संकेत से हनुमान से उस छोटी सी गिलहरी को पास लाने को कहा। हनुमान जी उसे अपने हाथ पर बैठाकर राम जी के समीप लाए। राम जी ने गिलहरी की मेहनत को देखते हुए उसकी हिम्मत और कार्यशीलता को सराहा और गिलहरी की पीठ पर अपने हाथ की तीन उंगलियां फेरी। तभी से उसकी पीठ पर तीन निशान बनते चले आ रहे। दोस्तों, यह सच है कि बानरों और रीछों की तुलना में गिलहरी का पौरुष नग्न था, पर जहां तक भावना का प्रश्न है, गिलहरी की भावना बड़ी थी। श्री राम ने उसकी भावना पर ही मंत्रमुग्ध होकर उसे यह पुरस्कार प्रदान किया था, जो आज तक उसे प्राप्त होता चला आ रहा है। ऐसे ही हमें भी राष्ट्र कार्य में इसी भावना से कार्य करना चाहिए। कहते हैं, कार्य को करने की इच्छा शक्ति अगर मन में जागृत रहती है तो असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव और सरल हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीख मिलती है, श्री राम भगवान ने जो हमें सीख दी है कि कोई भी कार्य करना है तो सच्ची भावना से करें और सच्ची भावना से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। तो दोस्तों, इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से ऐसे ही दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।